की सैकड़ों महिलाओं से यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच तनातनी बनी हुई है। इन सबके बीच अब प्रज्वल रेवन्ना को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी पहले से प्रज्वल रेवन्ना का सारा सच जानते थे, फिर भी केंद्र सरकार ने उसे देश छोड़कर भागने दिया। अब इस आरोप पर विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई में कहा गया है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने की वजह से प्रज्वल को वीजा या फिर दूसरी किसी भी तरह की यात्रा से जुड़ी हुई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी। वो बिना परमिशन के देश छोड़कर भागा है, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। साथ ही बताया कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। मंगलवार को तीसरे चरण के लिए बंपर वोटिंग हुई, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि चुनाव के वक्त चुनाव से ज्यादा किसी और चीज की चर्चा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और गूगल ट्रेंड्स के डेटा के मुताबिक देश के लोग लोकसभा चुनाव की जगह आज रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल से जुड़े वीडियोस ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इन वीडियोस में रेवन्ना को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा सकता है। वहीं इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के आरोपों के बाद विदेश मंत्रालय ने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। विदेश मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है ये ब्लू कॉर्नर नोटिस और कैसे इसके जरिए भगोड़े प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाया जा सकेगा, और क्या वाकई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने पर विदेश जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो आज के अपने इस खास शो में हम आपको ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स के लिए क्या यात्रा के नियम हैं। एमओई की वेबसाइट के मुताबिक सरकार की ओर से ऑफिशियल ट्रिप करने वाले लोगों को भी टाइप डी पासपोर्ट जारी किया जाता है। टेक्निकली किसी भी सांसद को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन इसमें पर्सनल या बिजनेस ट्रिप की परमिशन नहीं होती। अगर कोई सांसद पर्सनल या बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश यात्रा करना चाहता है तो उसे पहले अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होती है। भले ही ये यात्रा पर्सनल या टूरिज्म से रिलेटेड ही क्यों ना हो, सांसदों को यात्रा से पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन करना जरूरी होता है। अब बात उस नोटिस की जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सैकड़ों महिलाओं से यौन उत्पीड़न करने वाले प्रज्वल को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस सदस्य देशों के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के अनुरोध पर इंटरपोल के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए जाते हैं। इसके बाद ये नोटिस सभी सदस्य देशों को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। अब आपको बताते हैं क्या है ये ब्लू कॉर्नर नोटिस। ये नोटिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वांटेड क्रिमिनल्स की लोकेशन और उनकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इंटरपोल ब्लू कॉर्नर को मिलाकर कुल 7 तरीके के नोटिस जारी करता है। अब एक एक करके आपको उनके बारे में बताते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस, आपराधिक मामला चलाने या सजा पा चुके अपराधियों की लोकेशन को ढूंढने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। येलो कॉर्नर नोटिस, नाबालिग से लेकर लापता लोगों का पता लगाने या फिर जो लोग अपनी पहचान भूल चुके हैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। ब्लैक कॉर्नर नोटिस, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन कॉर्नर नोटिस, किसी क्रिमिनल को उसकी हरकतों के बारे में चेतावनी देने या फिर कोई ऐसा अपराधी जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बन सकता है उसके लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज कॉर्नर नोटिस, पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बन सकती कोई घटना, कोई अपराधी या किसी सामान के बारे में चेतावनी देने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। पर्पल कॉर्नर नोटिस, अपराधियों के तौर तरीके, इक्विपमेंट्स और छिपने के तरीके की जानकारी निकालने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। अब दावा किया जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद एसआईटी अधिकारियों को उसकी लोकेशन पता लगने की उम्मीद है। एक तरफ जहां प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी जेडीएस के कई बड़े नेता और परिवार के प्रज्वल रेवन्ना के छिपने से खुश नहीं है।
एसआईटी की प्रज्वल रेवन्ना की तलाश के बीच सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक समेत देश के प्रमुख राज्यों में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद फरार जेडीएस सांसद के लौटने की उम्मीद है। वो लौटता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त पूरे देश की नजर इस बात पर है कि सैकड़ों महिलाओं से यौन उत्पीड़न करने वाला मास रेपिस्ट कब पकड़ा जाता है और कब उसे उसके गुनाहों की सजा दी जाती है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।